बाकी हमारा जो तहसील कार्यालय में जो इश्तिहार निकला है उस पर अलग अलग आपत्ति दर्ज वहीं पे देंगे। इसके बावजूद भी कंपनियां जा रही हैं और सीधे गांव के लोगों के ऊपर सीधे एफआईआर करते जा रही हैं। हमारे घर में खुद चोर घुस रहा है, हम चोर को घुसने नहीं दे रहे हैं, चोर खुद हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज कर रहा है। हम तो कंपनी के पास नहीं जा रहे हैं ना। चला आपका नोटिस निकल रहा, मान लीजिए 10 जुलाई को, वो 10 जुलाई से लेकर कल तक वो नोटिस गायब था, आज सवेरे 10 बजे चिपकाया गया है और सोमवार को आपको हमको आपत्ति लगाना है। एक दिन में एक किसान काफी टाइम दिया गया था लेकिन वो लोग नहीं कर सर ये मेरा कहना है कि उनके खिलाफ एफआईआर नहीं होनी चाहिए क्या? जिन्होंने कानून का उल्लंघन किया उनके ऊपर कार्रवाई नहीं, उनको तो टर्मिनेट कर देना चाहिए, और नौकरी करने के काबिल नहीं है। बताइए हमारे साथ धोखा है कि नहीं बताइए। जो लोग इसलिए ज्यादा आक्रोशित हो रहे हैं मैम, क्योंकि आज जो 10 बजे इनको नोटिस मिला है निजी जमीन का, उसको तो पहले तत्काल आप प्रभाव से निरस्त करें, फिर दोबारा नोटिस आप जारी करें, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। कल को अप्रिय घटना का नहीं तो फिर कोई जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदार आप बताइए, उस नोटिस को तत्काल निरस्त करें। अभी घर की यह पूरा क्षेत्र अनुसूची 5 के तहत आता है। यहाँ की आबादी का 80% जनसंख्या आदिवासी परिवारों का है और आदिवासी भी खेती कर इन बंगाली विस्थापित परिवारों के साथ शांति से जी रहे हैं। जब जमीन केंद्र शासन द्वारा हमें 7 एकड़ और 5 एकड़ दिया गया है, तब की स्थिति में जमीन एकदम बंजर था। आज की स्थिति में हम अपनी खेतों से 2 फसल लेते हैं, परवल लेते हैं, तरबूज लेते हैं, इसकी सप्लाई पूरे भारत में किया जाता है। आज विकास के नाम पे हम किसानों के साथ विनाश करने का शासन का एक षड्यंत्र चल रहा है। हम लोग 1953 में हम लोग विस्थापित हुए हैं। सरकार तो कंपनी को दे दिया है और हम लोग देने नहीं चाहते हैं। अभी बहुत मुश्किल के बाद में, अभी आपको तो बोल रहा हूँ कि 8 साल हुआ होगा, आदमी टिका है, खेती बाड़ी को 2 फसली बना लिया, परदेश से कमा कमा के ही आगे खेती बाड़ी बनाया, बोर करवाया, पानी की व्यवस्था हो गया, शासन तो खुद किया है। कोयला खदान के आने से आप लोगों को क्या नुकसान है? खेती चले जाएंगे तो नुकसान तो है ही है, लोग जाएंगे कहाँ? हमारे पर्यावरण अधिकारी जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़ से इस नंबर पर फोन करें 9685-095-442 पर दबाव बनाएं। मैं चेतन राठिया, जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़, इंडिया अनहट के लिए।